कसम उठाए करना है प्रारंभ, आओ कदम बढ़ाए करना है प्रारंभ, आओ पढ़े पढ़ाए करना है प्रारंभ, ज्ञान की ज्योत जलाए पसारेंगे, धरती पे सूर्य उतारेंगे, आंधी आए या तूफान हिम्मत न हारेंगे, आओ पढ़े पढ़ाए करना है प्रारंभ, ज्ञान की ज्योत जलाए दादी। ए दादी, आजा सरिता आजा। का कर रही हो दादी? चटनी किसने जा रही थी? पुदीने की चटनी। दादी चटनी पीसनी थी तो मुझे बता दिया होता। अरे अब तू मुझे कुछ भी नहीं करने देगी क्या? दादी सारा दिन तो तुम ही काम करती रहती हो, इस उम्र में तुम्हें इतना काम नहीं करना चाहिए। अरे पगली, काम तो काम है, करना ही पड़ता है। आज पुदीने की चटनी खाने को बहुत मन हो रहा था। दादी तुम्हारा जो मन हो तुम मुझे बता दिया करो, मैं बना दूंगी। अरे पगली, अब तू मेरा इतना ख्याल रखेगी तो उसका ख्याल कौन रखेगा? किसका? अरे उसी का जिससे तेरी शादी होगी। क्या दादी? शर्मा के रही है क्या, शादी नहीं करेगी? छोड़ो ना दादी। अच्छा बताओ चटनी में आम डालूं या इमली डालूं? जो तेरा दिल करे, लेकिन नमक थोड़ा तीखा रखना। दादी एक बात पूछो। पूछो। तुम पुदीने की चटनी बड़ा मन लगा के बनाती हो। पुदीने की चटनी बिंदिया को बहुत पसंद थी। दादी वैसे बिंदिया को हुआ क्या था? रहने दे, क्या करेगी जानकर। ना दादी आज तो तुमको बताना ही पड़ेगा। बहुत छोटी थी वो, 10 साल की, सारा दिन खेलती रहती, खाने पीने की बहुत शौकीन थी, कभी ये चाहिए है तो कभी वो। उसके बापू उसे हर चीज दिलाते थे, पुदीने की चटनी का तो उसे बहुत शौक था, हमेशा जिद करती। और फिर एक दिन अचानक क्या हुआ दादी? अचानक ऐसी बीमार पड़ी कि इस दुनिया से ही चल बसी। दादी दादी तुमने उसे डॉक्टर को नहीं दिखाया? हम अनपढ़ लोग, हमें क्या पता कि उसे क्या हुआ, बस घरेलू इलाज करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा, गला था के सूझता ही चला गया। पूरे 8 साल के बाद हुई थी मेरी बिंदिया, आज उसकी शादी के लिए मैं लड़का देख रही होती। दादी हमारी अज्ञानता ने बिंदिया की जान ली है, लेकिन दादी अब हम अज्ञानता की सूली पर और किसी बिंदिया को कभी नहीं चढ़ने देंगे। हाँ दादी कभी नहीं। तू ठीक कहती है बिटिया, तू बिल्कुल ठीक कहती है, अब हमें अकल आ गई है, तेरे नौटंकी वालों ने तो हमारी आंखें ही खोल दी हैं। हाँ, इनका तो जितना एहसान माने उतना कम है। भगवान उन्हें हर खुशी दे, उनकी हर मनोकामना पूरी करे।
दादी तुम्हारा आशीर्वाद रहा तो ऐसा ही होगा। अरे सगली, मैं तो कहती हूँ कि भगवान तेरी भी हर मनोकामना पूरी करे, तुझे योग्य वर दे, तेरे ये अंचल खुशियों से भरा रहे, खुशियों से भरा रहे। दादी एक साथ इतने आशीर्वाद मत दो दादी, मुझसे संभाले नहीं जाएंगे। अरे पगली, इसीलिए तो कहती हूँ कि शादी कर ले, वो तुझे भी संभाल लेगा और तुझे मिलने वाले आशीर्वादों को भी। दादी अरे सरिता, प्रौढ़ शिक्षा वाली नई किताबें आई थी वो कहाँ है? मुझे पता नहीं है भाभी, शकीला भाभी को पता होगा। शकीला, अरे कहाँ सोच रही है शकीला? सोच रही होगी कि मेरे से पढ़ने में आगे कैसे निकल गई। नारी, मैं तो ये सोच रही कि अब हमने तो पढ़ना सीख लिया, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी और बहनों को भी साक्षर बना सकें। अरे हम उन्हें साक्षर कैसे बना सकें? अच्छा शकीला भाभी, तुम्हारा मतलब है कि तुम उन्हें पढ़ाना चाहती हो? हाँ, जिस तरह सरकारी लोगों ने हमें पढ़ाया, मैं भी पढ़ाना चाहूँ, देखना चाहूँ कि किसी को ज्ञान देने में कितना मजा आवे। तेरा यही हाल रहा तो कल को तो तू नौटंकी में गाने को भी कहेगी। सच बिमला, मेरा तो बड़ा मन करे नौटंकी में काम करने को, लेकिन कहाँ मैं और कहाँ ये इतने पढ़े लिखे सरकारी अफसर लोग। शकीला। अरे दीदी जी। अरे कोई फर्क नहीं है हम में और तुम में, अगर तुम्हें अपने आप पे भरोसा है तो तुम वो सब कुछ जरूर कर सकती हो जो तुम करना चाहती हो। अच्छा, वो कैसे दीदी जी? देखो, हमारे साक्षरता अभियान में स्वयंसेवी संस्थाओं और स्वयंसेवियों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वो कैसे दीदी? अब जरा सोचो, क्या तुम सभी लोग अपने अपने घरों का काम अकेले कर सकती हो? ना जी। वैसे ही सारे सरकारी अधिकारी भी सबको खुद पढ़ाने तो नहीं जा सकते, इसलिए सरकार ने साक्षरता अभियान को सफल बनाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं और स्वयंसेवियों को एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। अच्छा, तो क्या दीदी जी मैं भी स्वयं सेवक बनकर अनपढ़ लोगों को पढ़ा सकूं? जरूर पढ़ा सकती हो, तुम्हें सिर्फ अपने आसपास पढ़ने पढ़ाने का माहौल बनाना है। माहौल? माहौल कैसा दीदी जी? सबसे पहले हमें लोगों को जुटाना है, उन्हें इस अभियान में हिस्सेदार बनाना है, और समाज के पढ़े लिखे लोगों को इस बारे में जागरूक करना है, और निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने के लिए एकजुट और प्रेरित करना है। दीदी जी आप भी मेरे को अपना स्वयं सेवक बना लो ना। ओह बना लेंगे, जरूर बनाएंगे, पहले तुम अपनी पढ़ाई तो पूरी कर लो। आप देखना दीदी जी, मैं सबसे पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लूंगी। इसके बाद तुम्हें दूसरों को पढ़ाना सिखाया जाएगा, तुम्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। दीदी क्या मैं भी प्रशिक्षण पा सकूं? क्यों नहीं, तुम क्या कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति ये प्रशिक्षण ले सकता है। यो प्रशिक्षण का होए? ये प्रशिक्षण बहुत पढ़े लिखे लोगों और मास्टरों द्वारा दिया जाता है, हर 25 से 30 स्वयं सेवकों के लिए एक मास्टर होता है। अच्छा दीदी जी, मैं तो ये प्रशिक्षण जरूर लेना चाहूँ। मैं भी दीदी, मैं भी। हमें खुशी है कि आप सब लोग स्वयं पढ़कर औरों को पढ़ाना चाहते हैं, ये प्रशिक्षण आप सबको जरूर मिलेगा। लेकिन क्या आज का नाटक नहीं देखने चलना है? अरे चलना दीदी, जरूर चलना। शकीला बहन, तुम्हें आज वहाँ गाना भी पड़ेगा। ना दीदी जी, मेरे से ना हो सके, ना मेरे से ना। अरे शकीला, हमने सब सुन लिया था। अच्छा ठीक है, अभी हम वहाँ चल के नाटक शुरू करवाते हैं और देखते हैं वहाँ क्या होगा। ना दीदी जी, मेरे को तो बड़ी शर्म लागे, मेरे से ना हो सके, ना ना दीदी जी। नमस्कार, प्रारंभ नौटंकी की टीम एक बार फिर आपका स्वागत करती है। आज नाटक शुरू होने से पहले हम यहाँ कुछ लोगों को बुलवाएंगे जिन्होंने प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ाया है, अब वो अपने ज्ञान का उजाला घर घर बांट रहे हैं। आप सब उनके अनुभव सुनेंगे। सबसे पहले मैं जानकी को बुलाना चाहूंगी। आओ जानकी, इन्हें बताओ कि प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में पढ़कर तुमने क्या क्या हासिल किया। आप सब भाइयों और बहनों को जानकी का नमस्कार। आप ही की तरह मैं भी एक गांव की रहने वाली हूँ। कोई 10 साल पहले मैंने अपने गांव में
पढ़ाई लिखाई शुरू की और सरकार से हमें हर तरह की मदद मिली। एक समय ऐसा था जब मुझे लगता था कि मैं कुछ नहीं जानती, मैं अक्षर नहीं पहचानती थी, हिसाब किताब नहीं कर सकती थी, लेकिन शिक्षा पा लेने के बाद, पढ़ लिख लेने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अंधेरे से उजाले में आ गई। मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा और बुरे और भले की पहचान होने लगी। ये शिक्षा का ही नतीजा था कि हम लोगों में इतनी जागृति आ गई कि हम लोगों ने अपने गांव में नशाबंदी के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा और उसमें हम सफल भी हुए। और मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगी कि पढ़ाई लिखाई की या शिक्षा पाने की कोई उम्र नहीं होती, कोई समय नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती। आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि जिस तरह से मैंने किया आप लोग भी उसी तरह से हिम्मत करें, पढ़ें लिखें, जानकारी हासिल करें और दूसरों को भी पढ़ाएं ताकि दूसरों को भी सही दिशा मिल सके और वो तरक्की कर सकें। बस और मुझे आज कुछ नहीं कहना है। जानकी का पढ़ाई में अटूट विश्वास और अपने कर्म के प्रति ईमानदारी उसे अपने मकसद में कामयाबी दिलाएगी। धन्यवाद धन्यवाद। और अब हम बुला रहे हैं आप ही के गांव की शकीला को। मेरे को बड़ी घबराहट हो रही, आप सब लोग मेरे अपने हैं फिर भी डर लग रहा है। मैंने जितनी भी पढ़ाई करी या कर रही हूँ उसके लिए मैं सरकार की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका मुहैया कराया। मैं तो चाहती हूँ कि आप सारे लोग पढ़ें और कोई भी अनपढ़ ना रहे। अब मैं आपके सामने एक गाना सुनाती हूँ जो मैंने सीखा है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। शिक्षित होगा सारा देश, शिक्षित होगा सारा देश एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगा नवयुग में प्रवेश, होगा नवयुग में प्रवेश एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। सवर जाएगा जीवन शेष, सवर जाएगा जीवन शेष एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। बहुत अच्छी शकीला, तुमने तो कमाल ही कर दिया। आप ही से सीखा बहन जी सबको। आज आप लोगों ने देखा कि शिक्षा इंसान को कितना आत्मविश्वास देती है। और अब हम मिलाते हैं अपनी ही नौटंकी टीम के एक कलाकार से, रहमान। नमस्कार। अब रजनी दीदी ने मुझे आप लोगों के सामने कुछ बोलने को कहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा,
इनके साथ आने से पहले मैं निरा जाहिल था, निखट्टू था, दिन भर बस गिल्ली डंडा खेला करता था। आ से अंडा, डा से डंडा, मेरे लिए दोनों एक समान थे। वो तो अच्छा हुआ कि एक दिन मेरी मुलाकात पड़ोस के गांव के अरुण से हो गई। अरुण ने प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में जाकर अपने जीवन को सुधारा था और उसी अरुण ने मेरे जीवन को भी सुधारा। एक दिन उसने मेरी मुलाकात रजनी दीदी और उनकी टीम के बाकी मेम्बरान से करवाई। वो दिन है और आज का दिन, मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। संपूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को अपनाकर नई नई मंजिलें तय करता है। और आप लोग भी अगर मेहनत करें, लगन से पढ़ें लिखें, तो ऊंचे से ऊंचे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। वो एक शेर है ना, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। बस हमें निरक्षरता के इस आसमान को अपने कदमों तले लाना है। जय हिंद। तो देखा आपने, पढ़ लिख कर लोगों ने कैसे अपनी मंजिल पाली है। हमारी सरकार का भी यही मकसद है कि हिंदुस्तान के एक एक नागरिक को साक्षर बनाना है, उसे सही रास्ते लाना है, और हमें विश्वास है कि हम इस मकसद में जरूर कामयाब होंगे। तो इसी इरादे के साथ शुरू होता है आज का नाटक। लेकिन नाटक से पहले हर बार की तरह इस बार भी एक मजेदार नाच। आप लोगों को पसंद आया? अब शुरू होता है आज का नाटक। एक था गांव डोढ़ा धाम, उसमें रहता मोटू राम। उसको था बस एक ही काम, आता रहता सुबह शाम, आता रहता सुबह शाम। ले बेटा लड्डू खा। ये इतना सुंदर लग रहा है मेरा लाल मेरा चांद। है बेटे तू खाया कर, तू खाना बहुत कम खाता। देख अब अगर तू कम खाएगा तो तेरी सेहत कैसे बनेगी, है कि नहीं? तू अपनी माँ की तरह कमजोर हो जाएगा, इसलिए दबा के खाया कर मेरी तरह। लड्डू और खा। नहीं पिताजी, वैसे ही बहुत खा चुका हूँ, और नहीं खाने। अच्छा बेटा अच्छा, जुमरू के बापू तुम बताओ, खाना अभी खाओगे या थोड़ा रुक कर? अभी खाएंगे, थोड़ी देर बाद और खा लेंगे। ठीक है, अभी लाती हूँ खाना। कितने लड्डू खाए तूने? 20। बस 20? पिताजी अभी खाना भी तो खाना है ना। हाँ अभी तो खाना भी खाना है। अरे भाई हाँ खाना। रोटी सुबह की बनाई हुई है? हाँ। उसमें नमक कम है? अभी लाई नमक। जल्दी से लाओ, मायके बैठूंगा तुझे। ये ली। अब चखी। अब ठीक है। अरे तुझसे तो पूछा ही नहीं बेटे, तू खा। खिलाओ भाई, झुमरू की माँ झुमरू को खिलाओ। ले बेटा खा। मुंह थक जाए तो थक जाए, लेकिन पेट भरा हुआ होना चाहिए। हाँ और खा बेटा। राम राम भैया। राम राम। राम राम। कैसे हो भाई? अरे बैठो तो सही पहले। बैठता हूँ भाई, बहुत कमजोरी हो गई, बैठा नहीं जाता। अरे खाना तैयार है, खाना खाते ही सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। वो तो जरूर खाऊंगा भैया, रास्ते में लौकी मिला था। क्या कह रहा था? कह रहा था टिंडा भैया बहुत कमजोर हो गए, कुछ खा पी लिया करो। भैया भाभी थोड़ा खाना मेले में डाल लो। ये था
बाप का जाता। मिलावटी तेल होया कच्चा नमक, इससे उसको पड़ता नहीं फर्क। एक दिन मोटू घर को आया, साथ खाने को सब कुछ लाया, तब पत्नी को उसने रोता पाया। पता नहीं हमारे बेटे को क्या हो गया, सुबह से ही तकलीफ बता रहा है, तबीयत खराब हो रही है इसकी तो। अरे भगवान, लेकिन तूने इसे कुछ खाने को दिया कि नहीं? आप तो खाने की बातें करते हैं, इससे तो कुछ खाया नहीं जा रहा। अरे बेटा चुप रहो, बेटा चुप रहो। बेटा क्या हुआ? पता नहीं पिताजी, सुबह से बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है। पेट में दर्द हो रहा है? तू चिंता मत कर बेटे, सब ठीक हो जाएगा। राम राम भैया। अरे राम राम चिट्ठे भैया, यहाँ हो देखो, सुबह से झुमरू के पेट में दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा, तबियत तो मेरे बेटे की भी खराब हो रही है। क्या हुआ उसे? पेट में दर्द बतावा था। अरे और सुनने में आया गाँव के ज्यादातर लोगों की तबियत खराब हो रही है। लेकिन ये कैसे हो गया? अब यूं तो ना पता, लेकिन यूं कह रहा है कि नमक खाने से ही बीमारी हो रही है ससुरी। नमक खाने से? लेकिन टिंडे भैया, नमक खाने से कोई बीमारी कैसे हो सके है? भाई यूं कह रहा है, कोई दूसरा नमक खाना चाहिए। दूसरा नमक खाना चाहिए? अरे कोई झूठ बोल रहा है, गाँव में झूठी अफवाह फैला रहा है। यूं तो मैंने ना पता भैया, यूं कर चल डॉक्टर बाबू को बुला लाओ, पता चल जाएगा। हाँ जे बात ठीक है तेरी। चुमरू की माँ, तू बिल्कुल ही फिक्र मत कर, हम डॉक्टर बाबू को बुला के लाते हैं, झुमरू के पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। चल भाई, और चिंजे भैया चल। खाकर इस तरह कच्चा नमक हो गए लोग बीमार, किसी को खो गया संतुलन, किसी को चढ़ा बुखार। तब सब ने डॉक्टर बुलाया, तब डॉक्टर ने ये बताया, तब डॉक्टर ने ये बताया। झुमरू को घेंगा यानी गोइटर हो गया है। ये क्या होता है डॉक्टर जी? ये एक बहुत खतरनाक रोग है जिससे आदमी की जान भी जा सकती है। हे भगवान, इतनी खतरनाक बीमारी है जी। अच्छा मुझे ये बताइए, आप लोग कौन सा नमक इस्तेमाल करते हैं? कच्चा नमक खाते हैं, डेली वाला, सिलबट्टे पे पीस के। हम भी वही खाओ। और तुम? मैं तो आयोडीन वाला नमक खाता हूँ डॉक्टर जी। अरे वाह, और तुम्हें कैसे पता चला कि आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए? मैं पिछले कई वर्षों से प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में जाकर पढ़ रहा हूँ। अच्छा। अब तो मैं अखबार भी पढ़ लेता हूँ। बस मुझे अखबार से ही पता चला कि आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमेशा आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए। कच्चा नमक खाने से कई तरह की बीमारी हो सकती है। कैसी बीमारी डॉक्टर जी? इससे इंसान का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, वो पागल हो सकता है। अच्छा? हाँ, यही नहीं, उसे घेंगा यानी गोइटर जैसी बीमारी हो सकती है। इसीलिए हमें अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। डॉक्टर जी, अब से हम भी अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखेंगे। पर कैसे? आयोडीन युक्त नमक खाकर डॉक्टर जी। सिर्फ आयोडीन युक्त नमक खाने से कुछ नहीं होता। फिर कैसे होता है डॉक्टर जी? शिक्षित होकर। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, तब तक अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं हो सकते। अशिक्षित होने से आपके स्वास्थ्य को कई तरह की हानि हो सकती है। वो कैसे डॉक्टर जी? अशिक्षित होने से आप गलत दवाई खा सकते हैं, अपने बच्चे को गलत दवाई दे सकते हैं, जिससे उसकी जान भी जा सकती है। हाय राम। इसलिए अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहिबा, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। मैं आज से ही प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जाऊंगा और मन लगाकर पढ़ना लिखना सीखूंगा। मुझे मेरे बेटे झुमरू की कसम। डॉक्टर जी, मैं भी पढ़ूंगी। मैं भी जाऊंगा प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में। इस तरह गांव डूढ़ा धाम, जहां लोग खाते सुबह शाम, हुई सबकी पढ़ने की तैयारी, बढ़ी सबकी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी, छोड़ी कच्चे नमक की यारी, और आई आयोडीन युक्त नमक की बारी, पढ़ लिख कर गांव ये खुशहाल हुआ।
आज का ये नाटक समाप्त हुआ। हमें उम्मीद है कि आपको ये नाटक एक नई दिशा देगा, एक नया ज्ञान देगा और आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करेगा, करेगा ना? अरे वाह। अच्छा ये बताइए कि आप में से कितने लोग ये जानते थे कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए? आप लोगों के आने से पहले हमें नहीं मालूम था क्या खाना चाहिए क्या नहीं, लेकिन अब हम जानते हैं और हमने आयोडीन युक्त नमक खाना भी शुरू कर दिया है। इससे हमारी सेहत पर फर्क भी पड़ा है। चलो अच्छा हुआ, कम से कम आपके गांव में कच्चा नमक खाने से कोई बीमार तो नहीं पड़ेगा। आप रो रही हैं अनुसुईया जी, क्या बात है? क्या हुआ दादी? पता नहीं क्या हो गया। क्या हुआ दादी, क्या हुआ? ये रोई जा रही है दादी, बताओ ना क्या बात है। सरिता, आज तेरे नौटंकी वालों ने बिंदिया की याद फिर ताजा कर दी। आज मुझे पता चला कि मेरी बिंदिया को क्या हुआ था। जानना चाहती हो? कच्चा नमक खाने से हुई थी उसकी मृत्यु। तब हम लोग कुछ भी नहीं जानते थे। तब मैं अगर पढ़ी लिखी होती तो मैं उसे बचा सकती थी। आज मेरी बिंदिया मेरे पास होती। उन्हीं को कौन टाल सकता है। आपकी बिंदिया का अफसोस तो हम सबको है, पर हमें मिलकर ये कोशिश करनी होगी कि अब किसी भी घर में कोई भी बिंदिया कष्ट नहीं उठाएगी। भगवान सबको ज्ञान दे ताकि वो अपने शरीर के बारे में जान सके और उसका अच्छी तरह ख्याल रख सके। दादी तुम फिक्र मत करो, हम वादा करते हैं दादी कि अब किसी भी घर में कोई भी बच्चा कच्चा नमक खाकर कभी कष्ट नहीं उठाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। आप सब प्रण करो ऐसा ही होगा। हम प्रण करते हैं ऐसा ही होगा।